जो टेस्ट है इंक्रीज रेड सेल ब्रेकडाउन के, उनमें हमने पढ़ा कि एविडेंस ऑफ इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हमें मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हमें हीमोग्लोबिनीमिया मिलेगा, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ, हीमोग्लोबिन यूरिया यूरिन में, और मेथीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, ये वो फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, ठीक है, वो मेथीमोग्लोबिनीमिया बढ़ जाएगा उसकी फॉर्म, और हीमोसिड्रिन यूरिया होगा, ठीक है, हीमोसिड्रिन की जो है वो कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी यूरिन में। नंबर टू होते हैं टेस्ट ऑफ द इंक्रीज्ड रेड सेल प्रोडक्शन। उसमें जो हम कैसे पता लगाएंगे रेड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट देखेंगे, उसमें हमें जो है रेटिक्यूलोसाइटोसिस मिलेगी जो कि जनरली विच इज़ जनरली अर्ली एंड इज़ हैंस मोस्ट यूजफुल इनिशियल टेस्ट ऑफ द मैरो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है, एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, मैरो के एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया का सबसे पहला जो इनिशियल टेस्ट होता है वो रेटिक्यूलोसाइट काउंट होता है। नंबर टू, रूटीन ब्लड फिल्म में हमें मैक्रोसाइटोसिस मिलेगी, पोलीक्रोमेजिया एंड प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मोब्लास्ट, तो इससे हमें पता चलेगा कि रेड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। बोन मैरो में हमें एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा और उसमें जो है ना आयरन के स्टोर्स बढ़े हुए होंगे। इसके अलावा एक्सरे जो होगा ना बोन्स का, वो हमें शो करेगा एविडेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मैरो स्पेस, यानी मैरो स्पेस एक्सपेंड होगी, स्पेशली जो ट्यूबुलर बोन्स होती हैं उनमें और स्कल में, मतलब उसकी एक्सपेंशन होगी, इसका मतलब है कि मैरो में कोई एक्टिविटी हो रही है और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। नंबर थ्री है टेस्ट फॉर द डैमेज टू द रेड सेल्स, यानी कि रेड सेल्स को कोई डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से हीमोलाइसिस है। अब ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें हम एक रूटीन ब्लड फिल्म में हमें जो है ना वैरायटी ऑफ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस वाले हमें रेड सेल्स मिलेंगे, जो कि हमने पेज 36 पे पढ़े थे और फिगर में भी 12-10 में शोन है, जो हम ऊपर पढ़ के आए, जो डिफरेंट हमने शेप्स पढ़ी थी रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, तो इस तरह की हमें रूटीन ब्लड फिल्म में डिफरेंट शेप्स मिलेंगे रेड सेल्स की। अ समरी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी फीचर्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इन अराइविंग एट द डायग्नोसिस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया एंड इट्स कॉज इज गिवन इन टेबल 12.10। इसमें देखिए यहाँ पे रेड मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हैं इन वेरियस टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमियाज। अब स्फेरोसाइट्स हमें कब मिलेंगे, उसका स्फेरोसाइट्स का कॉज होता है कि असल में स्पेक्ट्रम जो होता है ना उस आरबीसी की मेम्ब्रेन से, वो स्पेक्ट्रम का लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से स्फेरोसाइट्स बनेंगे। अब ये जो टाइप है हीमोलाइटिक एनीमिया की, उसको हम हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। देन नंबर टू हमारे पास है टारगेट सेल्स, हमें लेप्टोसाइट्स कब मिलेंगे, जब जो है ना इस वाली पिक्चर को भी साथ साथ देखें, तो ये टारगेट सेल भी हम कह सकते हैं या लेप्टोसाइट, ये हमें ना थैलेसीमिया में मिलते हैं, जो थैलेसीमिया जो टाइप है ना हीमोलाइटिक एनीमिया की उसमें, और इसमें क्या होता है कि रेशो जो है ना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो बढ़ गया है। जो हमने स्फेरोसाइट्स वाली टाइप पढ़ी उसकी भी फिगर आप देख लें ये वाली, तो इस तरह की हमने बात की हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, और ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में भी ये स्फेरोसाइट बनेंगे। देन नंबर थ्री होते हैं शिस्टोसाइट, ये शिस्टोसाइट हमें जो है वो माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया में मिलेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ट्रोमेटिक डैमेज हो रहा है इस रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को। जो ये टारगेट सेल थे ये थैलेसीमिया के अलावा बाकी कौन से डिजीज़ में मिलेंगे, लिवर डिजीज़ में, हीमोग्लोबिन एस डिजीज़, हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। अब आते हैं इन सिकल सेल पे, ये हमें मोस्ट कॉमन है पता है, ये सिकल सेल सिंड्रोम में मिलेंगे। इसमें असल में पॉलीमराइजेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन एस की, तो वो पॉलीमराइज होकर ये सिकल बनता है। देन एकेंथोसाइट्स, एकेंथोसाइट्स जो हैं ये हमें मिलेंगे सिवियर जो लिवर डिजीज़ होगी उसमें। इसमें असल में क्या हो रहा है कि जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं उनमें एबनॉर्मलिटी आ गई है, ठीक है, लिवर डिजीज़ में, सिवियर लिवर डिजीज़, इसको हम स्पर सेल्स भी कहते हैं या एकेंथोसाइट्स। दूसरी है हेन्स बॉडीज, हेन्स बॉडीज़ जो हैं वो इस फिगर में देख लें, ये इस तरह की हेन्स बॉडीज़ होती हैं। इसमें असल में हीमोग्लोबिन जो है ना वो परसिपिटेट कर जाता है, उसकी वजह से ये हेन्स बॉडीज छोटी छोटी बनती हैं, तो ये जो है इसमें अनस्टेबल हीमोग्लोबिन वाली जो अनीमिया है उसकी वजह से ये हेन्स बॉडीज़ में हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी हमने मॉर्फोलॉजीज़ देखी, तो ये हमने बात की कि हम देखेंगे टेस्ट कर रहे हैं हम डैमेज टू द रेड सेल, ये हमने रूटीन ब्लड फिल्म में इसकी मॉर्फोलॉजी देखी। नंबर टू हम क्या देख सकते हैं डैमेज टू द रेड सेल्स में, हम ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी, ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कम या फिर कम भी हो सकती है, तो उससे भी हमें रेड सेल पर कितना डैमेज हुआ उसका आइडिया होगा, फिर उस हिसाब से हमें फिर हीमोलाइटिक एनीमिया का आइडिया होगा। नंबर थ्री, ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट हम करते हैं जो कि विथ या विदाउट एडिशन ऑफ ग्लूकोज होगा। इसके अलावा कूम्स एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होगा एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन ए टू के एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एफ की, सिकलिंग का टेस्ट करते हैं, और हम जी सिक्स पी डी डेफिशेंसी को स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, एंड अदर एंजाइम्स जैसे कि हेन्स बॉडी टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं। देन नंबर फोर है टेस्ट फॉर शॉर्टन्ड रेड सेल लाइफ स्पैन।
यानी कि हम लाइफ स्पेन अब चेक करेंगे रेड सेल का, उस हिसाब से हम हीमोलाइटिक एनीमिया का अंदाज़ा लगाएंगे। तो शॉर्ट टर्म रेड सेल लाइफ सर्वाइवल जो है ना वो बेस्ट टेस्ट होता है बाय क्रोमियम 51 लेबलिंग मेथड के जरिए से। नॉर्मली हमारे आरबीसी का 120 डेज़ का लाइफ स्पेन है, वो 20 या 40 दिन जो है कम हो जाएगा इन मॉडरेट हीमोलाइसिस और 5 से 20 दिन जो है वो कम हो जाएगा इन सीवियर हीमोलाइसिस। ठीक है, सीवियर में इतना ज़्यादा उसका वो कम हो रहा है स्पेन। अब सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं एक्वायर्ड वाली जो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलाइटिक अनीमिया है उनको। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया जो है वो कॉज होती है वेराइटी ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स से। अब वो कौन से हो सकते हैं? एंटीबॉडी हो सकती है, जिसको हम कह देंगे इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया। इसके अलावा क्या हो सकता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर? कोई भी मैकेनिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, उसमें मैकेनिकल फैक्टर होता है। इसके अलावा डायरेक्ट कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो, जैसे मलेरिया में होता है, क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन में, तो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इनके। स्प्लीनोमेगैली भी एक्सटर्नल फैक्टर है, एंड सर्टेन एक्वायर्ड मेम्ब्रेन की जो एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ जैसे पैरासिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, तो ये भी एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया है। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे बिलो। सबसे पहली है इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमियाज। देखिए, इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया वो ग्रुप ऑफ अनीमिया है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन की वजह से होती है। एंटीबॉडी बन रही है हमारी बॉडी से अगेंस्ट हमारे ही रेड सेल्स के खिलाफ। ठीक है, तो इम्यून हीमोलाइसिस जो है इस तरह के केसेस में वो इंड्यूस होगी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की मदद से। एक होती है हमारे पास ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, AIH है। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है ऑटो एंटीबॉडीज़ की हमारे पेशेंट के अपने ही रेड सेल्स के अगेंस्ट। अब डिपेंड करता है सीवियरिटी के हिसाब से, डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ ऑटो एंटीबॉडी के हिसाब से। तो ये वाली जो अनीमिया है ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, ये अब फर्दर डिवाइड हुई है 2 टाइप्स में रिएक्टिविटी की बेसिस पे। एक होती है वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, दूसरी कोल्ड एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। वार्म वाली में क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ वो बॉडी टेम्परेचर पर रिएक्टिव होती हैं, यानी 37 डिग्री जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा तो वो रिएक्ट करेंगी। जबकि कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया जो है उसमें जब पेशेंट के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब जाके ये ऑटो एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी पेशेंट के अपने ही रेड सेल्स के साथ। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। दूसरी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे हैं? दूसरी है ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया। तीसरी होती है आइसो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। अब आइसो इम्यून में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो एक्वायर होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं, एंड हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न की वजह से जो हमें मिलेंगी एंटीबॉडीज़, तो उनकी वजह से जो होगी उसको हम आइसो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया कहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल इन सारी इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया में होता है कोम्स एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट रेसिस एंटीबॉडीज़ इन सेलिन डायरेक्टली, जिसको हम कह देंगे डायरेक्ट कोम्स टेस्ट, या फिर आफ्टर एडिशन ऑफ द एल्ब्यूमिन तो फिर हम कह देंगे इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। ठीक है, सेलिन में अगर डायरेक्टली हम रेसिस एंटीबॉडीज़ हमें मिल रही हैं इनकम्प्लीट रेसिस एंटीबॉडीज़ तो ये डायरेक्ट कोम्स टेस्ट है, या फिर अगर हमने एल्ब्यूमिन डाला फिर हमें मिली तो फिर ये इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। अब जो है इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया की जो पहली वाली टाइप है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, उसकी डिटेल देखते हैं। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया में हमने पढ़ी वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि वार्म एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ा कि वो रिएक्टिव होती है हमारी बॉडी टेम्परेचर पे और कोट कर देंगे रेड सेल्स को, और ये कौन सी क्लास होती है? IgG क्लास एंटीबॉडीज़ होती है, और ओकेजनली ये IgA भी हो सकती है। लिटिल इज नोन अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज एक्वायर्ड रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ इन IHA, बट द मैकेनिज्म जो है ना इनकी डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल्स का, डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म कोटेड विद IgG वो बेटर अंडरस्टूड है। ह्यूमन के जो रेड सेल्स हैं वो कोट हुए होते हैं IgG एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है, और बाउंड होते हैं टू द सर्फेस ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, स्पेशली हमारे स्प्लीनिक मैक्रोफेज जिसके साथ वो बाउंड होते हैं। तो अ पार्ट ऑफ कोटेड सेल मेम्ब्रेन इज लॉस्ट, जिसके नतीजे में स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी रेड सेल्स की, उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड स्फेरोसाइटोसिस। यानी रेड सेल है उस पर एंटीबॉडीज लगी हुई हैं तो वो मैक्रोफेजिस में स्प्लीन में उसने पड़ा हुआ है, तो इस वजह से स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हिस्सा जो है ना इसकी जो मेम्ब्रेन का वो डाइजेस्ट हो जाएगा और यूँ बिल्कुल स्फेरिकल रेड ब्लड सेल बन जाएगा, तो हम कहेंगे एक्वायर्ड स्फेरोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, रेड सेल्स कोटेड विद IgG अलोन
with C3 on the surface further promote this red cell leukocyte interaction. यानी IgG भी है along with C3 अगर होगा उसके surface पे complement का तो red cell leukocyte interaction बढ़ेगा, promote होगा और ज़्यादा severe hemolysis होगी. स्प्लीन जो है ना पार्टिकुलरली एफिशिएंट होती है इन ट्रैपिंग द रेड सेल्स कोटेड विद IgG एंटीबॉडी. इट इज़ थस द मेजर साइट ऑफ द रेड सेल डिस्ट्रक्शन इन वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया. मेजर साइट कौन सी हुई? स्प्लीन हुई, क्योंकि वो IgG को अच्छी तरह से डिटेक्ट कर लेती है IgG से जो कोट हुए रेड सेल्स है. अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे इस वार्म वाली टाइप में? वार्म एंटीबॉडी IHA जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी आइदर सेक्स में. तो डिजीज़ जो है ना वो होगी विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, यानी इडियोपैथिक है. लेकिन जो क्वार्टर पेशेंट्स हैं वो डेवलप करेंगे इस डिसऑर्डर को एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अंडरलाइन डिजीज़. यानी उनको कोई इम्यून सिस्टम की कोई डिजीज़ होगी, उसके बाद ही कुछ क्वार्टर पेशेंट इवन फोर्थ पेशेंट को उसके बाद ही होगी. लाइक SLE अगर किसी को है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सर्टेन ड्रग जैसे कि मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, तो इनके यूज़ वगैरह और ये डिजीज़ अगर होंगी तो फिर जो है इनको वार्म एंटीबॉडी IHA होगी, ये वाली एनीमिया होगी. ये टेबल पे देख लें, इसमें कंडीशन है जो प्री डिस्पोज करती हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की तरफ. वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हमने कहा प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक होती है. दूसरा किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, लाइक लिम्फोमा ल्यूकीमिया जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड हॉजकिंस डिजीज़. नंबर 3 कोई कोलेजन वास्कुलर डिजीज हो लाइक SLE. ड्रग्स में हमने बात की मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन, क्विनिडीन ग्रुप, ये करवाती हैं वार्म एंटीबॉडी IHA. और पोस्ट वायरली भी होगा वार्म एंटीबॉडी IHA. उसके बाद कह रहा है डिजीज़ जो है वो टेंड करती है टू हैव रेमिशंस एंड रिलैप्सेस भी हमें मिलेंगे वार्म एंटीबॉडी में. यूजुअल जो क्लिनिकल फीचर है वो एज फॉलोज है, क्रोनिक अनीमिया ऑफ वेरिंग सिवेरिटी विथ रेमिशंस एंड रिलैप्सेस जो हमने बात की. स्प्लीनोमेगैली मिलेगी हमें, ठीक है, एनलार्ज स्प्लीन होगी और अनीमिया इस तरह की क्रोनिक होगी जो उसमें रेमिशंस भी होंगे रिलैप्सेस भी होंगे. इसके अलावा नंबर 3 हमें ओकेजनली हाइपर बिलीरुबिनीमिया मिलेगा, बिलीरुबिन लेवल पेशेंट का बढ़ा हुआ होगा. तो ट्रीटमेंट इस तरह के केसेस का कंसिस्ट करता है कि हमने कॉज को जो है ना कॉज उसको रिमूव कर देना है. वेन एवर प्रेजेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड इन सिवियर केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे. स्प्लीनेक्टोमी जो है ये सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी होता है इस डिसऑर्डर में. स्प्लीन ही निकाल देंगे तो वो रेड सेल्स टूटेंगे ही नहीं. अब वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया में हमें लैब फाइंडिंग्स कौन सी मिलेंगी? जो हेमाटोलॉजिकल और बायोकेमिकल फाइंडिंग इस तरह के केसेस में है वो फॉलोइंग है. नंबर 1, एक तो आप याद रखें कि हमें माइल्ड टू मॉडरेट क्रोनिक अनीमिया मिलेगी ही मिलेगी, क्रोनिक वाली, ठीक है. रेटिकुलोसाइटोसिस होगी, रेड सेल्स जो है वो उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है, रेटिकुलोसाइटोसिस इसलिए मिल रहा है. नंबर 3 हमें प्रोमिनेंट स्फेरोसाइटोसिस मिलेगी, उसकी रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन की कि साइटोप्लाज्म रेड सेल का लॉस हो रहा है, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस को खा रहे हैं तो स्फेरोसाइट्स बन जाएंगे. पेरिफेरल ब्लड फिल्म में स्फेरोसाइटोसिस मिलेगी. नंबर 4 हमें पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट मिलेगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंटीबॉडीज ऑन द रेड सेल, और ये बेस्ट डिटेक्टेड होंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये डायरेक्ट कूम है. और पॉजिटिव इनडायरेक्ट कूम यानी एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट एट 37 डिग्री में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वार्म एंटीबॉडीज इन द सीरम. यानी पॉजिटिव डायरेक्ट कूम टेस्ट भी हमें मिल रहा है और पॉजिटिव इनडायरेक्ट कूम टेस्ट भी मिलेगा. नंबर 6 हमें अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनिया मिलेगा, यानी इतनी ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है कि बहुत ज़्यादा हीम रिलीज हो रहा है और वो इतना कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा मिलेगा इनडायरेक्ट वाला. नंबर 7 हमें को एग्जिस्टेंट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगी अलॉन्ग विथ ओकेजनल वीनस थ्रोम्बोसिस में भी प्रेजेंट. इसको हम कहते हैं इवांस सिंड्रोम. इवांस सिंड्रोम क्या है? इवांस सिंड्रोम में हमें को एग्जिस्टेंट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगी, ठीक है, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स में हमें कम मिलेंगे. इसके अलावा हमें अलॉन्ग विद द कोई यानी अनीमिया भी है, वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और वीनस थ्रोम्बोसिस में भी प्रेजेंट. ठीक हो गया, तो ये काइंड ऑफ ट्रायड है. मोर सिवियर केसेस में हीमोग्लोबिनीमिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया में भी प्रेजेंट, ठीक है, यूरिन में और ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ जाना. दैट्स इट. अब हम आ जाते हैं कोल्ड एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया पे.
इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि एंटीबॉडीज़ जो कि रिएक्टिव होती है ना कोल्ड यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो हीमोलाइसिस को इंड्यूस करवाएंगी दो कंडीशंस के अंडर, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ एंड पैरोसिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। सबसे पहले है कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़। देखिए कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो IgM टाइप की होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ याद करना। अब IgM जो है ना ये बाइंड करेगी हमारे रेड सेल्स पे बेस्ट रेजिस्टर 4 डिग्री पे। ये कोल्ड एंटीबॉडीज़ जो है यूजली डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट द आई एंटीजन ऑन द रेड सेल सर्फेस। रेड सेल होता है ना उसके सर्फेस पे जो आई एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टेड होती हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल बाय द IgM कोल्ड एग्लूटिनिन इज़ मोर प्रोफाउंड एट वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही वार्मिंग होगी दोबारा 37 डिग्री पे आएगा, गर्म होगा पेशेंट या उसके उससे भी अबव, तो डिस एग्लूटिनेशन हो जाएगी क्विकली। समझ आ गया। हीमोलाइटिक इफेक्ट जो है वो मेडिएट होता है थ्रू द फिक्सेशन ऑफ द C3 टू द रेड ब्लड सेल सरफेस एंड नॉट बाय द एग्लूटिनेशन अलोन। इसमें सिर्फ एग्लूटिनेशन से नहीं हो रही हीमोलाइसिस, फिक्सेशन ऑफ C3 की वजह से भी हो रहा है। मोस्ट जो कोल्ड एग्लूटिनिन इफेक्ट है वो जुवेनाइल रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जुवेनाइल जो होते हैं न्यू रेड सेल्स उनको ज़्यादातर ये कोल्ड एग्लूटिनिन से अफेक्ट करती हैं। अब कॉज यानी एटियोलॉजी कोल्ड एंटीबॉडी की अननोन है। ये देखा गया है कि सर्टेन इन्फेक्शन में जैसे माइकोप्लाज्मा नमोनिया का जो इन्फेक्शन है, इसके अलावा इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में और लिम्फोमा में जो है ना ये देखी गई है एंटीबॉडीज़। दूसरी हमने पढ़ी कि पैरोसिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया होता है इन कोल्ड एंटीबॉडीज़ से, ये वाली डिजीज़ PCH होती है। अब PCH में क्या होगा कि कोल्ड एंटीबॉडी जो है, अब ये बात याद रखें, वहाँ IgM थी, यहाँ IgG एंटीबॉडी होगी, डोनथ लैंडस्टेनर एंटीबॉडी। ये डायरेक्टेड है अगेंस्ट पी ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड ब्रिंग्स अबाउट द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हीमोलाइसिस, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो पी ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है ना उसके अगेंस्ट ये IgG जाएगी और ये हीमोलाइसिस करवाएगी। अटैक ऑफ द PCH आर परसिपिटेड बाई एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, लो टेम्परेचर पे परसिपिटेड होगा अटैक। PCH अनकॉमन है और ये ज़्यादातर एसोसिएशन में देखी गई है साइफिलिस के इन्फेक्शन के साथ, टर्शियरी साइफिलिस, ठीक है, जिनको होगा पेशेंट को उनमें हमें ये PCH मिलेगा, पैरोसिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। या फिर ये हमें जो है ना कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है सर्टेन इन्फेक्शन में जैसे माइकोप्लाज्मा नमोनिया में, फ्लू, मीजल्स एंड मम्प्स। अब क्लिनिकल फीचर इसके कैसे हैं कोल्ड वाली के, जैसे हमने वाम के पढ़े, कोल्ड में ऐसा होगा कि हीमोलाइसिस की वजह से हमें मैनिफेस्टेशन मिलेंगी, एग्लूटिनेशन की वजह से नहीं, हीमोलाइसिस की वजह से। अब उसमें जाहिर सी बात है क्रोनिक अनीमिया मिलेगा नंबर वन, जो कि कोल्ड होगी तो उसकी वजह से वॉर्सन हो जाएगा। नंबर टू हमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना मिलेगा। ये क्या होता है, जो हमारी डिस्टल वेसल्स होती हैं लिम्स वगैरह की और हैंड्स की पेरिफेरी की, तो वो जो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, रेनॉल्ड्स फिनोमेना मिलेगा। नंबर थ्री हमें साइनोसिस मिलेगी जो अफेक्ट करती है कोल्ड एक्सपोज रीजन को, जैसे टिप्स ऑफ द नोज, ईयर्स में साइनोसिस, फिंगर्स में, टोज में, ठीक है। कोल्ड वाली एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में हमें साइनोसिस मिलेगी। नंबर फोर हीमोग्लोबिनीमिया भी मिलेगा, यूरिया भी हो रहा है ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड। ट्रीटमेंट जो है हमने ये करना है कि पेशेंट को वार्म रखना है और उसकी जो अंडरलाइन कॉज है ना उसको सही करना है। कॉजेज ये हमने डिस्कस किए, वैसे तो अननोन है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा नमोनिया, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, लिम्फोमा, ये कॉजेज हो सकते हैं, तो हमने इनको सही करना है। अब इसकी लैब फाइंडिंग्स कैसी हैं, हेमाटोलॉजिक एंड बायोकेमिकल फाइंडिंग्स आर समवट सिमिलर टू दोज फाउंड इन द वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया एक्सेप्ट द थर्मल एम्पलीट्यूड। फाइंडिंग्स क्या है, क्रोनिक एनीमिया, रेटिकुलोसाइट काउंट हमें कम मिलेगा सिंस द यंग रेड सेल्स आर अफेक्टेड मोर। हमने पढ़ा कि जुवेनाइल में ये होती है, तो जुवेनाइल रेड सेल्स जो अभी भी बने हैं और वही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा रेटिकुलोसाइटोसिस नहीं मिलेगी क्योंकि लाइफ स्पैन तो अभी RBC का कम्प्लीट ही नहीं हुआ, तो लो रेटिकुलोसाइट काउंट मिलेगा, वहाँ पर ऑपोजिट था। नंबर थ्री हमें स्फेरोसाइटोसिस भी इसमें लेस मार्क्ड होगी, वहाँ ज़्यादा थी। नंबर फोर इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट कोम टेस्ट मिलेगा फॉर डिटेक्शन ऑफ C3 ऑन द रेड सेल सरफेस, बट IgM रिस्पॉन्सिबल फॉर द C3 कोटिंग ऑन रेड सेल इज़ नॉट फाउंड। यानी C3 तो मिल जाएगा हमें कोम टेस्ट में, लेकिन IgM भी है ना जो C3 के साथ मिलके और हीमोलाइसिस करा रही, तो IgM नहीं मिल रही हमें, ठीक है। इसके अलावा नंबर फाइव कोल्ड एंटीबॉडी टाइटर जो है वो हाई मिलेगा हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे एंड वेरी लोअर द 37, डोनथ लैंडस्टेनर टेस्ट हम इसको कहते हैं,
ठीक है, कि मतलब कोल्ड पे ज़्यादा मिल रही है टाइटर, एंटीबॉडीज़ का बढ़ रहा है, और 37 पे कम है, क्योंकि ये है ही कोल्ड एंटीबॉडी वाली एनीमिया। IgM क्लास कोल्ड एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी है आई एंटीजन के लिए, जबकि हमने पढ़ा IgG वाली जो एंटीबॉडी है उसकी पी ब्लड ग्रुप एंटीजन के लिए अट्रैक्शन स्पेसिफिसिटी है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुई ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियाज। ये वाला टेबल हम देख लें, इसका समराइज। कोल्ड एंटीबॉडी में हमने पढ़ा कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ है, दूसरी PCH है। कोल्ड एग्लूटिनिन में अक्यूट में माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, क्रॉनिक में इडियोपैथिक या लिम्फोमास। PCH में हमें माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, वायरल फ्लू, मीजल्स, मम्स, साइफिलिस, उनकी वजह से PCH हो सकता है, और कोल्ड एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होगी। तो इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया पहली टाइप हमने पढ़ ली डिटेल में, दूसरी है ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया, और तीसरी है आइसो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ड्रग इंड्यूस की बात करें तो ड्रग्स जो है वो कॉज करवा सकती है इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया तीन डिफरेंट मैकेनिज्म से। पहले हमने कहा अल्फा मिथाइल डोपा टाइप एंटीबॉडीज़। देखिए, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जिनको हम अल्फा मिथाइल डोपा दे रहे होते हैं ना, तो उनमें इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है इन एवरी रिस्पेक्ट टू द वाम एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की तरह, जो भी हमने पढ़ी वाम वाली उसकी तरह का एक पिक्चर होती है। दूसरी है पेनिसिलिन इंड्यूस्ड इम्यूनो हीमोलाइसिस। पेशेंट जिनको हम लार्ज डोजेज ऑफ पेनिसिलिन देते हैं या पेनिसिलिन टाइप के एंटीबायोटिक्स, तो वो डेवलप कर जाते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड ब्लड सेल ड्रग कॉम्प्लेक्स विच इंड्यूसेस द हीमोलाइसिस। रेड ब्लड सेल और ड्रग कॉम्प्लेक्स जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी और हीमोलाइसिस होगी। तीसरा है इनोसेंट बायस्टैंडर इम्यूनो हीमोलाइसिस। जैसे अब क्विनिडीन ड्रग हो गई, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, जिनके अगेंस्ट जो है फिर एंटीबॉडीज बनेंगी। तो ये जो ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, ये लाइसिस करवा देता है बायस्टैंडिंग रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, जो उसके साथ होंगे इस कॉम्प्लेक्स के साथ वाले जो रेड सेल्स या प्लेटलेट्स, उनके लाइसिस करवाएगा ये ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। तो हर एक ये इस तरह की ड्रग इंड्यूस इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया में डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग हमने की अगर, तो ग्रेजुअल डिसअपियरेंस हो जाएगी हीमोलाइसिस की और कंडीशन सही हो जाएगी। देन है आइसो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया लास्ट कैटेगरी। आइसो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो एक्वायरिंग आइसो एंटीबॉडीज या एलो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। ये एंटीबॉडीज़ क्यों होती है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से प्रेगनेंसीज में या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न में। अब ये एंटीबॉडीज़ असल में एक इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होती हैं और ये डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द अदर। ये कंडीशंस जो है ना वो पेज 340 पे कंसीडर हुई हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, जो दूसरी टाइप है जो हमने पढ़ा कि ट्रॉमा की वजह से अगर हो हीमोलाइसिस। इसकी डिटेल देखें तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो जब एबनॉर्मलिटीज आ जाए हमारे माइक्रोवास्कुलेचर में, तो उसकी वजह से होती है। अब ये जनरली होता है जब मैकेनिकल ट्रॉमा मिले हमारे रेड सेल्स को सर्कुलेशन में, और ये कैरेक्टराइज होगा कि रेड सेल की फ्रेगमेंटेशन होगी, यानी शिस्टोसाइटोसिस होगी, जो अपीयरेंस मैंने आपको दिखाई रेड सेल की, शिस्टोसाइट्स बन जाएंगे। अब तीन डिफरेंट तरीके हैं बाय विच माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगी। एक होता है एक्सटर्नल इंपैक्ट, दूसरा कार्डियक हीमोलाइसिस, तीसरा फिब्रिन डिपोजिट इन द माइक्रोवास्कुलेचर। एक्सटर्नल इंपैक्ट नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट को एक्सटर्नल ट्रॉमा मिला है रेड सेल ब्लड सेल्स को, जैसे ही वो माइक्रो सर्कुलेशन से पास कर रहे थे, स्पेशली जब वो बोनी प्रोमिनेंस से के ऊपर से पास कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी वेरियस एक्टिविटीज़ के दौरान, जैसे मार्चर्स होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, जॉगर्स, कराटे प्लेयर्स, उनमें ये होता है। तो ये पेशेंट जो है ना वो हीमोग्लोबिनीमिया उनमें बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में, हीमोग्लोबिन यूरिया यूरिन में बढ़ेगा, इसको कहते हैं मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। एंड समटाइम्स मायोग्लोबिन यूरिया भी मिलेगा, क्योंकि इसमें मसल भी तो डैमेज हुआ है। एक्सटर्नल इम्पैक्ट के बाद दूसरा है कार्डियक हीमोलाइसिस। अब स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो हैं जो प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व रिसीव कर रहे होते हैं या जिनको आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लगे हुए होते हैं, तो उनको भी हीमोलाइसिस हो जाती है। ये क्यों है कि उसमें भी मैकेनिकल ट्रॉमा मिला है रेड सेल्स को या शेयर स्ट्रेस मिला है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से। ठीक हो गया। नंबर थ्री है फिब्रिन डिपॉजिट इन द माइक्रोवास्कुलेचर। देखिए, फिब्रिन की डिपोजिशन हमारे माइक्रोवास्कुलेचर में क्या करेगी कि रेड सेल्स को एक्सपोज कर देगी टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इवेंचुअल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उन RBCs की, और
प्लेटलेट्स वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अब फिब्रिन जो है वो डिपॉजिट करता है स्मॉल वेसल्स में, कौन सी कंडीशन में, या तो अगर वेसल की वॉल की कोई एबनॉर्मलिटी है जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, इक्लेम्शिया में, डायसेमेटिक कैंसर में, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में और हिमेंजोमा में, तो वेसल की वॉल की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो है वहाँ पर फिब्रिन डिपॉजिट करेगा। दूसरा होता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपीरा, इसमें भी जो होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये किडनीज़ वगैरह को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये भी उसकी वजह से भी हो सकती है फिब्रिन डिपोजिशन। डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में भी, और वास्कुलाइटिस इन द कोलेजन डिजीज में। अब ये सारी कंडीशन जो है वो रेलिवेंट सेक्शंस में सेपरेटली डिस्कस की हुई हैं। तीसरी हमने बात की कि हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकती हैं किसी डायरेक्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की वजह से। अब उसकी डिटेल देखें तो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट सर्टेन एजेंट्स का होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया तो उसमें डायरेक्ट पैरासाइटेशन हो जाती है, पैरासाइटेशन होती है हमारे रेड सेल्स की, इसको हम कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ये फिगर देखिए, इसमें मलेरियल पैरासाइट दिखाया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन द पेरिफेरल ब्लड, ये शो कर रहा है न्यूमरस रिंग स्टेजेस, ठीक है, ये देखिए मल्टीपल इसमें रिंग्स हमें ये नज़र आ रही हैं, एंड अ क्रिसेंट ऑफ गेमिटोसाइड, ये क्रिसेंट उसका गेमिटोसाइड भी नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड में हमें नॉर्मोब्लास्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट कैसे हो सकता है, बार्टोनिलोसिस, बार्टोनिलोसिस में समय ना डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है हमारे रेड सेल्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। नंबर थ्री सेप्टिसीमिया विद क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची, ये वेल्ची जो होता है ना ये रेड सेल्स को डैमेज करता है, उसकी वजह से सेप्टिसीमिया होगी तो फिर हीमोलाइसिस होगी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे न्यूमोकोका हो गया, स्टेफिलोकोका, शीशा कोलाई, ये भी करवाते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी डायरेक्ट हीमोलाइटिक इफेक्ट होता है विल्सन्स डिजीज़ में, और जो पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे होते हैं उनमें। लेड पॉइजनिंग की बात करें तो उसमें हमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, ये असल में एबनॉर्मल आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह की वजह से बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है लेड पॉइजनिंग में, आरएनए के एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट स्नेक का और जो स्पाइडर बाइट्स होती है ना उनके वेनम की वजह से भी जो है हीमोलाइसिस होती है। एंड लास्टली अगर एक्सटेंसिव पेशेंट को बर्न हो जाता है तो वो भी हीमोलाइसिस करवाएगा, इसका भी टॉक्सिक इफेक्ट है।